हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों को? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, इस वीडियो के दौरान हम जानने वाले हैं कि बिग बॉस OTT सीजन 3 में जो नॉमिनेशन हुआ था जिन लोगों का, उनमें से कौन सा एलिमेंट होके अपने घर गया है। तो जो नॉमिनेशन हुआ था उसमें जो पार्टिसिपेट थे, जो लोग थे, उनमें से अरमान मलिक था, सना सुल्तान था, साई केतन कटारिया, दीपक चौरसिया और शिवानी और पायल, ये सात लोग थे जो बिग बॉस के सेकंड राउंड के दौरान इनका नॉमिनेशन हुआ था। अब देखने की बात यह है कि नॉमिनेशन जब हुआ, तो जब ये वीकेंड का बात चल रहा है, तो इसके दौरान आखिर कौन सा वो शख्स है जो घर से बाहर जाने वाला है। तो गाइज, बिग बॉस ने इनमें से दो शख्स को और एज अ बिग बॉस, एज ए बाहर वाला सेव कर दिया है। तो इन दो शख्स थे जो अरमान मलिक था, दीपक और चौरसिया थे, दो लोग जो हैं उनको बाहर वाले ने और बिग बॉस ने घर के अंदर सेव कर दिया है। मतलब वो नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है उससे वो बाहर हो चुके हैं, उनका नॉमिनेशन होना मुमकिन नहीं है। तो जब ये दो लोग नॉमिनेशन से बाहर हो गए, तब बचे हैं पाँच लोग। पाँच लोगों में अब जो कि एक बाहर वाला है जिसका नाम है साई केतन, तो जो बिग बॉस के जब मोबाइल का जब बंटवारा हुआ था और जब बिग बॉस ने बोला था कि जब एक व्यक्ति जो कि बाहर वाला ऑलरेडी है, तो बाहर वाले का जो नॉमिनेशन अगर कोई भी करेगा तो वो नॉमिनेशन मान्य नहीं होगा और वो घर जाने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं तक इस बात को लेकर साई केतन भी बचता है घर के अंदर। लेकिन अब बात आती है साई केतन के ऊपर कि वो अपने त्याग और बलिदान के हिसाब से अपनी दोस्त जो है सना सुल्तान को बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, क्योंकि बिग बॉस ने एक टास्क दिया था जिसका नाम था सांप का कष्ट। उस टास्क के दौरान एक व्यक्ति को घर के अंदर जाना था और उसको बाहर वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में जिसने उसको तंग किया उसको वो श्राप दे सकता था। मतलब उसके बारे में जो उसकी बेस्ट चीज़ें थीं या जिन चीज़ों से वो सर्वाइव कर रहा था, उन चीज़ों को छीन सकता था। तो कहीं ना कहीं तक साई केतन को इस जो बात का प्रिविलेज मिला कि वो बिग बॉस के अंदर, उन्होंने बिग बॉस ने उसके सामने एक ये हिस्सा रखा कि अगर वो अपने दोस्त को बचाना चाह रहा है, जो उसकी दोस्त सना सुल्तान है, अगर सना सुल्तान को बचाएगा तो कहीं ना कहीं तक उसका जो पद है, जो एज आ बाहर वाला पद है, उस पद से उसको हटा दिया जाएगा। तो इस बात को साई केतन ने बहुत ही सीरियस लिया और उन्होंने अपने जो पद था उसका त्याग देते हुए सना सुल्तान को सेव किया। तो यहाँ पर दोस्ती और त्याग की एक जो मिसाल है वो कहीं ना कहीं तक देखने को मिली है। लेकिन देखने की बात यह है कि जो बाकी लोग जो नॉमिनेटेड हैं ऑलरेडी वो बचे हैं, उनमें से कौन आखिर जाने वाला है घर, क्योंकि दीपक ऊपर से अरमान, तो ये दो तो बिग बॉस और बाहर वाले की वजह से अंदर ही हैं और ये नॉमिनेशन से बाहर है। ऊपर से अब साई केतन ऐसा बाहर वाला नॉमिनेशन से बाहर है। अब साई केतन ने जबकि सना सुल्तान को बचा लिया, तो चार ऐसे जो लोग थे जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। अब बचे हैं तीन लोग, कटारिया, शिवानी और पायल। तो कटारिया भी बिग बॉस के अंदर एक एजा सेफ हो गया, क्योंकि जब साई केतन को उसके बाहर वाले के पद से हटाया गया तो उस पद का जो जिम्मेदारी थी, जो जिम्मा था, वो कटारिया को दिया गया। तो कटारिया पर जब वो जिम्मेदारी आई तो कटारिया एज आ बाहर वाला बाहर नहीं जा सकता है नॉमिनेशन की प्रक्रिया से, तब कहीं ना कहीं तक उस मुद्दे को लेकर कटारिया भी सेफ हो गया है। अब बचे हैं शिवानी और पायल। शिवानी और पायल के बीच में एक खतरनाक गेम है, क्योंकि जब अनिल कपूर जी आए अंदर, उन्होंने शिवानी को सेव किया और शिवानी की जब बात की तो उन्होंने शिवानी से बहुत सारी बातें जो पूछी, क्योंकि पूरे वीकेंड के दौरान शिवानी ने कितना सारा नाटक किया, बहुत सारी नौटंकी की और घर में जो एंटरटेनमेंट का माहौल था वो कहीं ना कहीं तक शिवानी ने बना के रखा। इस बात को अनिल कपूर ने स्वीकारा, सदा शिवानी को भी बताया। तो बिग बॉस के अंदर इस बात को लेते हुए कि शिवानी में बचपना है और शिवानी ने जो हरकतें की हैं वो अनमच्योर होकर की हैं, तो इस मुद्दे को लेते हुए अनिल कपूर ने और बिग बॉस ने शिवानी को कहीं ना कहीं तक सेव कर दिया है और उनको जो कष्ट का, जो सात का कष्ट था, उसमें से एक चीज काम दिया गया है जो कि दोपहर का खाने के काम है। दोपहर का खाने का काम जो है शिवानी अकेले बनाएगी सभी लोगों के लिए, पूरे घर वालों के लिए। तो इस कष्ट को देकर कहीं ना कहीं तक बिग बॉस ने शिवानी को सेव किया है। ऊपर से सातवें कष्ट में विशाल है, विशाल के ऊपर भी एक कष्ट आया, क्योंकि
जब रणबीर कपूर ने उसके बालों को लेकर बात की तो उसके बाल में जितनी भी चीजें यूज होने वाली थी उन चीजों को बिग बॉस ने जब्त कर लिया। तो ये तीन जो बातें थी, जो तीन चीजें थी, उसको कहीं ना कहीं तक बिग बॉस ने अप्रूवल दिया। एक तो साई केतन के द्वारा सारा सुल्तान को बचाने का था, एक वो हो गया, ऊपर से शिवानी को बचाने के लिए उसको घर का काम दे दिया गया लंच, और तीसरा विशाल का जो बालों का था वो। तो अब बचा हमारा एक पार्टिसिपेटर, एक नॉमिनेट जो जाएगा सीधे घर, जिसका नाम है पायल मलिक। तो पायल मलिक ही बची है, तो बिग बॉस ने पायल मलिक को घर जाने के लिए बोल दिया है और पायल मलिक घर के लिए निकल गई है। तो पायल मलिक ने जब घर से बाहर निकली, तो घर से बाहर निकलने के बाद पायल मलिक का बयान है कि मेरी जो ऑडियंस है, जो मेरी जनता है, उसने मेरे को बहुत सारा भर भर के सपोर्ट किया, लेकिन कहीं ना कहीं तक मेरे निकालने के पीछे का जो हाथ है वो घर वालों का है, ना कि बाहर वालों का, क्योंकि सब घर वाले मेरे खिलाफ थे, क्योंकि मैं और मेरे पति और साथ में मतलब मेरे पति दो पत्नियों को लेके गए थे, तो इस मुद्दे को घर वाले मानने के लिए तैयार नहीं कि कैसे, हाउ टू पॉसिबल, क्योंकि जो शादी की बात है वो एक आदमी औरत के बीच होती है, ना कि एक आदमी दो औरत के बीच। तो इस मुद्दे को लेकर घरवाले भी थोड़ा इस बात को टारगेट किया है, ऐसा पायल मलिक का कहना है। और पायल मलिक ने ये भी कहा है बाहर निकलने के बाद कि मैं ये बढ़ावा नहीं देती हूँ कि दो शादी करो, इंसान एक शादी करनी चाहिए, लेकिन ये गलती है, तो अब हमारा परिवार चल रहा है तो इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तक उन्होंने शिवानी को बहुत ज़्यादा टारगेट किया घर से बाहर निकलने के बाद, कि शिवानी घर के अंदर नाटक करती है, अपना कैमरे के सामने जाकर अपने आप को दिखाती है। कहीं ना कहीं तक वो बोलना चाह रही थी कि शिवानी ही है जो घर के अंदर सारे काम करती है, अपने आप को फोकस दिखाने के लिए, सबके नज़रों में छाने के लिए ऐसे काम करती है, अपनी आवाज़ को इस तरह से बोलती है। और उन्होंने ये भी बताया कि शिवानी से उनकी जानकारी कैसे हुई और घर के अंदर जो माहौल चल रहा है वो किस तरह से चल रहा है। तो गाइस, कहने की बात ये है कि जब पायल मलिक घर के अंदर थे तब उनका इतना कंट्रीब्यूट नहीं था, ऐसा उन्होंने खुद स्वीकार किया। उनका केवल थोड़ा खाना बनाने में था, इतना उन्होंने लड़ाई झगड़े नहीं किए, हालांकि अरमान मलिक थे, उन्होंने लोगों को इंटरटेनमेंट किया। तो कहीं ना कहीं तक पायल मलिक पूरे घर में कहीं छिपी सी रही, इस यही वजह हो सकती है शायद कि बिग बॉस ने उनको घर से बाहर निकाला हो। लेकिन अब घर पायल मलिक घर से बाहर निकल गई, तो ये जो मलिक फैमिली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी, क्योंकि अगर एक शख्स जो घर से बाहर निकल गया तो वो कहीं ना कहीं तक घर के बाहर जाके अपने ब्लॉग के जरिए या फिर सोशल मीडिया के जरिए सपोर्ट की गुहार कर सकता है बाहर की जनता से, तो ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। तो अब देखने की बात यह है कि मलिक फैमिली में आखिर कौन सा शख्स है जो घर के अंदर रहेगा ये इसके बाद, और कौन सा शख्स है जो आखिर तक सर्वाइव कर पाएगा, कारवार मलिक आखिर तक रुक पाएगा या फिर कृतिका रुक पाएगी। तो इन बातों को हम देखेंगे बिग बॉस OTT सीजन 3 में जो लाइव चल रहा है, फेसबुक पर मैं लाइव करता हूँ तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। अब देखने की बात यह है कि शिवानी क्या आखिर तक खेल पाएगी और अरमान मलिक भी क्या आखिर तक खेल पाएगा, तो हम देखते हैं और मिलते हैं अगली एक बेहतरीन वीडियो के साथ।